नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल सातनकर है। मैं ग्राम गंगापुर का छोटा सा किसान का बेटा हूँ। हमारे पास में बहुत कम खेती है और संसाधन ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि कहीं इसका एक सदुपयोग किया जाए। तो हम लोगों ने 100x120 में एक चालू करने का प्लान किया। ये हमें आत्मा समिति के तहत हमें पता चला था कि कुछ नया कर सकते हैं खेती में, कुछ नया करने का ये बहुत अच्छा उपाय था। तो हम लोग आत्मा समिति के विकास खंड गए, वहाँ में आत्मा समिति ने सजेशन दिया कि तुम मछली पालन कर सकते हैं, इसमें पानी स्टोर करके। ये 1 अगस्त 2019 से शुरू किया था और अभी लगभग इसे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 100x120 का डैम है और 15 फीट गहरा है। इसको खुदाई करने में समथिंग 2 लाख का खर्चा आया था और इसमें पॉलीथीन के 60,000 रुपये, टोटल अपने को 5.5 लाख रुपए अभी तक खर्चा आ चुका है। जैसे कृषि विभाग के द्वारा एक नवाचार अंतर्गत आत्मा जो योजना है हमारी, इसमें तकनीकी मार्गदर्शन किसान भाइयों को दिया जाता है, साथ ही साथ प्रदर्शन के माध्यम से भी किसान भाइयों को तकनीकी ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो हमने बैतूल ज़िले में आत्मा समिति के द्वारा, समिति अंतर्गत नवाचार के तहत फंगेसियस मछली उत्पादन, जो कि पट्टन विकास खंड में पंडरी किसना सातनकर किसान है, प्रगतिशील किसान है, इनसे संपर्क किया। और हमारे जो पट्टन विकास खंड के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर है, इन लोगों ने इन्हें इस मछली पालन उत्पादन के लिए प्रेरित किया ताकि कम समय में किसानों की आय बढ़ सके। साथ ही साथ उस गांव में लगभग 5-6 तालाब थे, तो हमें लगा कि हम यदि एक किसान के नवाचार के अंतर्गत ये कार्यक्रम करते हैं तो आगे भी यानी मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और किसान बहुत ही इंटरेस्टेड था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी इनके फील्ड में जाकर देखा है तो बहुत बढ़िया मछली उत्पादन का काम में ले रहे हैं। इसमें हमने पूरा एरिया प्लास्टिक कवर किया है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन ऐसी है कि नीचे पानी सिपेज हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने प्लास्टिक का करने का सोचा है। और इसमें हमने प्लास्टिक बिछा कर पानी स्टोर किया है। मछली में ध्यान रखने के लिए सबसे पहली बात है कि जो अपन ने पॉन्ड बनाया है तो उसमें कोई इंटर ना कर पाए, कोई बाहरी जीव जंतु, तो उसके लिए साइड नेट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये बर्ड नेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बर्ड नेट से क्या होता है कि पक्षी से बच जाते हैं और साइड नेट लगाने से चूहे नहीं आएंगे अंदर और छेद नहीं करेंगे इसमें, छेद करेंगे तो पानी पूरा बाहर हो जाएगा। ये पॉलीथीन लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और क्या है कि सांप बिच्छू भी घुस जाते हैं इसमें, मेंढक घुस जाती है जो मछलियों को इफेक्ट करती है, इसलिए साइड नेट और बर्ड नेट ये मेन चीज़ है इसमें। अब इसमें हमने 10,000 मछली के बच्चे डाले हैं और इसमें 4 ट्यूबवेल से पानी ऐड करते हैं और एक ऑटोमेटिक नीचे से वाला है जो पानी को रिसाइकल करता है। 4 ट्यूबवेल से पानी आता है और रिसाइकल होते रहता है, जिससे कि मछलियों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। पॉलीथीन की वजह से जो ज़मीन के मॉलिक्यूल्स मिलने हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो हम इसे पानी रिसाइकल करने से पानी से ही उसमें सारे जो मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं मछलियों के लिए। हाँ, दवाई के लिए हम इसमें SOCRINA WS डालते हैं, कैप्सूल डालते हैं इसमें, और पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं इसमें। जैसे बारिश होती है, बारिश होने से अमोनिया बढ़ जाता है, अब अमोनिया कम करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल के इसमें का अमोनिया मेंटेन करते हैं, इसलिए हम अमोनिया पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं इसमें। इसमें पंगेसियस मछली डाली है जो होशंगाबाद से लाया था ये बीज। मछलियों को खिलाने के लिए हम दाना मंगाते हैं, सीएस का दाना 1350 रुपये की एक बोरी आती है, जो कि अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक डेली एक बोरी खाती है। उसके बाद में जैसे नवंबर स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने वो बहुत कम दाना खाती है, वो दाना फिर बहुत मतलब एक बोरी 2-3 हफ्ते तक चल जाती है, इतना कम कर देती है वो लास्ट एंडिंग तक। ठंडियों में बिल्कुल भी नहीं खाती है दाना, एकदम नीचे में मछलियाँ रहती है। उसका ये मतलब नहीं होता है कि मछलियाँ है नहीं इसमें, उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठंडियों में अधिकतर क्या होता है कि मछलियाँ दाना नहीं खाने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मछलियाँ है भी कि नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। सावधानियाँ ये रखनी है कि दोनों टाइम दाना बिल्कुल फिक्स, अगर 10 बजे दाना डेली डालते हैं तो उसका रूटीन बनाना ज़रूरी है कि उन लोग 10 बजे मतलब 10 बजे ही सुबह और शाम को 5 बजे मतलब 5 बजे ही दाना डालना है।
उसमें अपने को कोई भी कम ज़्यादा नहीं करना है, टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और दवाइयाँ डालते समय क्या है कि कम ज़्यादा मात्रा का भी ध्यान रखना है अपने को, कि को कितनी दवाई दी है उसको बराबर उतनी ही डालना है, न कि कम न ज़्यादा। और इसे बेचने के लिए भी होशंगाबाद से ही आए हैं, उन्हीं लोगों ने इन्हें ख़रीदा है और यही लोग निकाल के लेके चल जाएंगे। और इसमें इनकम भी होगी, इनकम के लिए इसमें अपने को फर्स्ट टाइम में अपने को 8 से 10 लाख रुपए तक का फ़ायदा हो सकता है। और अपने को अपने तो इसे दे चुके हैं, इससे सर 8 या 10 टन माल होगा समथिंग ऐसा, अभी बेच चुके हैं इसे 90 रुपये किलो दे चुके अपन यहीं से जगह से ही, वही होशंगाबाद वालों ने जिन्होंने दाना दिया था, बच्चा दिया था, उन्हीं को अपन ने सेल कर दिया, उनको 90 रुपये किलो के हिसाब से। अब वो निकालेंगे उस समय पता हो जाएगा 8 से 10 टन समथिंग होगा इसमें। समस्या तो आती है सर, लेकिन उसके लिए भी हमारे आत्मा समिति ग्रुप है, उससे हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, उन लोग आते रहते हैं, चेक करते हैं, तो हम उससे निपट लेने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मा समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, हमें बहुत सारे जो भी हम किसी भी पॉइंट पे अगर रुकते हैं तो हम उन्हीं के बाद जाके हम सजेशन ले सकते हैं। श्री पंडरी कृष्णा सातनकर जी जो गंगापुर प्रभातपट्टन के किसान हैं, इन्होंने जो तालाब निर्माण किया था लगभग 5 लाख राशि लगी थी, हमने फंगिसियस मछली उत्पादन के लिए ने प्रेरित करने के लिए आत्मा समिति बैतूल के माध्यम से 50,000 रुपये राशि प्रदान की है, ताकि मछली का बीज एवं दाना खरीद के अच्छा उत्पादन कर सकें। यहाँ पर ज़िले से DDA साहब आए थे और कलेक्टर साहब आए थे, इन्होंने नवाचार प्रदर्शन के तहत हमें 50,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया था। और हम लोगों ने बहुत से लोगों को ये भी बताया था कि आप लोग भी करो, ये जो है जिला स्तर पर हर किसी को मिलने की मिल सकते हैं ये पैसे, जो भी अच्छा नया करके दिखाता है उसे मछली मत्स्य पालन में 50,000 रुपये का पुरस्कार देते ही।